नमस्कार सभी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। वो अत्रि नामक नगर में राज करता था। वो बहुत ही धनवान, वैभवशाली, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था। वो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और हर समय अपनी प्रजा को खुश देखना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे राज्य में हर आदमी, औरत और बच्चे को इंसाफ मिले, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह कष्ट न होने पाए। इसलिए सारी प्रजा उसकी जय जयकार करती थी और उसकी प्रशंसा के डंके बजाती थी। उनके पास सिपाही, हाथी, घोड़े, दास, दासियां, धन दौलत सब कुछ था, लेकिन उसे राजा की कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा रानी बहुत ही दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए हर तरह का दान धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जाप, मंत्र, व्रत और पूजा पाठ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समय के साथ राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। बुढ़ापे की ओर बढ़ते हुए राजा रानी दिन रात इसी गहन सच में खोए रहते कि अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा, हमारी इस राज्य का वारिस कौन बनेगा, हमारे राज्य की प्रजा की जिम्मेदारी कौन लेगा। राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे। उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। एक सुबह राजा के दरबार में एक साधु आता है तो दासी रानी को इसकी जानकारी देती है। रानी दासी से कहती है कि यह मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। रानी चावल भर थाल हाथ में लेकर बाहर आती है। जब वो साधु की झोली में भिक्षा डालने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके चेहरे पर छाई परेशानी साधु की दृष्टि में आती है। वो साधु रानी से पूछता है कि रानी साहिबा, क्या हुआ है, आप इतनी उदास क्यों हैं? तब रानी साधु महाराज को सारी हकीकत बताती है और सिसकने लगती है। रानी के दुख को समझते हुए वो साधु कुछ पल के लिए गंभीर हो जाता है और फिर कहता है कि रानी साहिबा, आप चिंता मत कीजिए, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा, परंतु आपका वह पुत्र केवल 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। 14 साल के बाद वो इस मृत्युलोक में नहीं रह पाएगा। रानी साहिबा, इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते करते उसे साधु ने अपनी झोली में हाथ डाला और थोड़ी सी विभूति निकालकर रानी को दी। साधु महाराज ने विभूति देते हुए कहा कि रानी साहिबा, आप और महाराज दोनों इस विभूति को बताकर ग्रहण करना, ईश्वर की कृपा से बहुत जल्द ही तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। इतना कहकर वो साधु अपनी राह चला गया। उसके जाने के बाद रानी सोचने लगी कि 14 साल तो 14 साल ही सही, उतने समय के लिए तो हमें पुत्र मिलेगा, यही काफी है। 14 साल के उसके जीवन काल में मैं उसे जी जान से बड़ा करूंगी, उसे ढेर सारा लाड़ दुलार दूंगी, मैं अपनी संतान की हर मुराद पूरी करूंगी। उसे रात अपना सारा राजकाज खत्म करके राजा जब रानी के महल में गए तो रानी ने सारी बात राजा को बताई और साधु की दी हुई विभूति राजा को दिखाकर बोली कि साधु महाराज ने यह विभूति हम दोनों को ग्रहण करने के लिए कहा है। रानी की बात सुनकर राजा ने निराश भाव से कहा कि रानी, हमने इतना दान धर्म किया, जब तप किया, लेकिन कोई फल नहीं मिला। यदि हम पर भगवान की कृपा होती तो अब तक हमें पुत्र की प्राप्ति हो चुकी होती। अब इस विभूति से हमें क्या संतान प्राप्ति होगी? रानी बोली कि जब हमने इतना सब कुछ किया तो अब ये भी सही, क्यों खामखा उस साधु के क्रोध को बुलवा दे। राजा को अब किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी को दुख ना पहुँचे इसलिए वो राजी हो गया। इसके बाद राजा और रानी दोनों नहाते धोते हैं, अपने भगवान और अपने पुरखों का नाम स्मरण करते हैं। इसके बाद
उसे साधु महाराज का स्मरण करके वो विभूति बात कर दोनों खा लेते हैं। उसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और साधु महाराज द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। राजा रानी दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। राजा रानी से बोला कि महारानी, हम पर सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई। दोनों ने आने वाली संतान के सपने देखने शुरू कर दिए। समय आने पर रानी ने एक सुंदर गोरे पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। सारे राज्य में 8 दिन तक उत्सव मनाया गया। अब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे विद्वान पंडित जी को बुलाया गया। कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चिंतित हो गए। पंडित जी कहने लगे कि महाराज, हमारा राजपुत्र सिर्फ 14 साल तक हमारे पास रहेगा। राजा को ये बात पहले से ही पता थी। रानी को भी साधु महाराज की बात याद थी। दोनों चुप रह जाते हैं। राजा और रानी बड़े लाड प्यार से बेटे की परवरिश करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। महाराज और महारानी सोचते हैं कि थोड़े समय के लिए ही सही, भगवान ने उनकी संतान की मुराद पूरी कर दी। इसे वे समाधान मानते हैं। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता है। जब वह 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई, राज शास्त्र, शास्त्र विद्या, घोड़ सवारी इत्यादि 12 विधाओं का शिक्षण देते हैं। वो शास्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है और जब राजकुमार 12 साल की उम्र का हो जाता है तब राजा रानी एक अच्छी सी राजकन्या खोजकर उसकी शादी कर देते हैं। ऐसे ही 2 और साल बीत जाते हैं। जब राजकुमार 14 साल का होने वाला होता है तो एक दिन राजकुमार राजा से बोलता है कि पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस रजवाड़ों के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा है। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाते हैं क्योंकि राजकुमार को 14वां साल शुरू हुआ था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक आ पहुंचा था, लेकिन राजा ये सब बातें पुत्र को नहीं बता सकता था। राजा अपने चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहता है कि हाँ हाँ बेटा, जरूर, जो तुम्हें अपना सारा राज्य घूम कर देखना चाहिए। हमारा राज्य कैसा है, कहाँ पर क्या है, ये सब तुम्हें जानना चाहिए। कल मेरे बाद तुमको ही तो इस राज्य का राजा बना है, परंतु एक बात का ध्यान रखना कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताना। राजकुमार कहता है, ठीक है पिताजी, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। इस प्रकार कई दिन और निकल जाते हैं। फिर एक दिन एक घटना घटती है। रोज की तरह उस दिन भी राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियां मनाता है, लेकिन वो रात को ठीक 12 बजे अपने बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है और सुबह होने से पहले ही वापस आकर अपने महल में सो जाता है। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। अब राजपुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। एक रात उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में जाग जाती है। वो देखी है कि राजपुत्र बिस्तर पर नहीं है। वो उसे महल में सब जगह देखी है, लेकिन राजपुत्र कहीं भी नजर नहीं आता। वो सोचती है कि अब वो क्या करेगी, इसके बारे में किस रहेगी, क्या कहेगी। वो चुपचाप रहती है। भोर होने पर वो देखी है कि उसका पति अपनी जगह सोया हुआ है। वो अपने पति से रात की घटना के बारे में कुछ नहीं पूछता। दूसरी रात भी वैसे ही होता है। तीसरी रात, चौथी रात, ऐसे बहुत दिन तक चलता है। छोटी रानी बहुत ही चिंतित हो जाती है। पति रात को जाता कहाँ है, किस मिलने जाता है, उसके मन में ढेर सारे सवाल उठाते हैं, लेकिन राजपुत्र से पूछने में उसे डर लगता है। शायद पति गुस्सा कर बैठे साफ ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी कल मर्यादा बीच में आ जाती थी। इस तरह मन ही मन वह परेशान रहने लगी।
इस हालत में उसे खाने पीने में दिलचस्पी नहीं होती। वो दुबली पतली हो जाता है। उसे राज्य में फूल बेचने वाली एक बुद्धि मालिन थी। वो हमेशा छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर जाता है। वो उससे पूछता है कि बेटी, तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस तरह सूख कर कांटा क्यों बनती जा रही हो? उसे पर छोटी रानी कहती है कि अम्मा, तुम्हें क्या बताऊं? तुम्हारा राजपुत्र हर रात बिस्तर पर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह होते ही वापस आकर सो जाता है। वो कहाँ जाता है ये सोच सोच कर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पाती और इसी परेशानी में सुख सहकर इस तरह कांटा बन गई हूँ। बुढ़िया सब बात सुनकर उसे एक उपाय बताती है कि बेटी, तुम ऐसा करना, आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे पीछे जाकर देखना कि वो कहाँ जाता है और क्या करता है। आज रात तो अच्छी तरह से उसकी पहरेदारी करना। छोटी रानी कहती है कि अगर मुझे नींद आ गई तो मैं क्या करूंगी? बुढ़िया बोली कि तुम्हें नींद ना आए इसलिए तुम एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म करना, उसे पर थोड़ी सी मिर्च चीर लेना, फिर तुम्हें बहुत जलन होगी और उसे पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार करती है। उंगली की जलन से उसे बहुत देर तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वो सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर उसके महल में पहुंचती है और पूछती है कि क्या हुआ बेटी, क्या तुम देख पाई कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है? छोटी रानी कहती है कि नहीं, अम्मा पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ देर पश्चात में सो गई। बुढ़िया रहती है, कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म करना और ज्यादा मिर्च लगाना। दूसरी दिन छोटी रानी वैसे ही करती है, परंतु वो सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलने तक ही जग पाई। वो उसके पीछे नहीं जा सकी क्योंकि उसे समय तक उसकी आंखें मूंद गई थी। अगले दिन सुबह बुढ़िया आती है तो उसके पूछने से पहले ही रानी रोकर रहती है, अम्मा मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक तरह नहीं कर पाई। बुढ़िया रहती है, रोना नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना और उसे पर ज्यादा मिर्च छिड़कना बेटी। तुम्हें एक काम करना, जब वो जाने के लिए निकलता है तो तुम उसका रास्ता रोककर उससे पूछना कि कहाँ जा रहे हो? बुढ़िया ने जैसा बताया रानी वैसा ही करती है। आज रात उसे नींद नहीं आती। पति रात 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलने लगता है तो उसे बुढ़िया ने जैसे बताया था वो वैसे ही करती है। वो दौड़कर पति का रास्ता रोक लेती है और कहती है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप किसे मिलने जा रहे हो, मुझे बताओ। राजपुत्र उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि देखो, अगर मैं तुम्हें बता दिया तो मैं दोबारा तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा। रानी बोली कि कोई बात नहीं, ना मिल पाए, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो यह मुझे बता दीजिए। राजपुत्र निप हो जाता है। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चल पाती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने वाला था। वो सोचता है कि जो होता है वो हो जाने दो। ये सोचकर वो कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके अपनी पत्नी को देकर कहता है कि इन चावलों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना, पहले दाएं हाथ में पड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। इसके बाद तुम बाएं हाथ में पड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, तब मैं जैसा था तुम्हें वैसा ही मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी बोली कि मैं नहीं भूलूंगी। ये कहकर रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ दाएं हाथ में पड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है तो राजपुत्र एकदम एक विशाल घोड़ा बन जाता है, एकदम उम्दा सफेद गर्दन पर लंबी आयत। देखते देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उसे घोड़े को एकदम भौचक्की होकर देखने लगती है और वो भूल जाती है कि पति ने उसे बाएं हाथ के चावल फेंकने की बात कही थी।
कुछ ही समय में महल में कुछ चक्कर लगाने के बाद घोड़ा मेहर से निकलकर बाहर चला जाता है और उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। घोड़ा महल से बाहर जाता है। रानी इंतजार करती रहती है लेकिन वो वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है। वो स्वयं को कोसने लगते हैं, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाला था। सुबह होते ही महाराज और महारानी को ये सब बात पता चलती है। उन्हें बहुत दुख होता है। वो समझ चुके थे कि उन्हें जिस बात का डर था वो अनहोनी घटना घट चुकी थी और अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। दुख के कारण वो बिस्तर पकड़ लेते हैं और राह देखते हैं कि शायद किसी दिन उनका बेटा वापस आ जाए। इस तरह एक महीना गुजरा है। दो महीने गुजरते हैं, तीन महीने गुजरते हैं और आखिर छह महीने निकल जाते हैं। राजपुत्र का कोई अता पता नहीं लगता। राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव में सिपाही भेजे जाते हैं लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। रानी यह सोचकर स्वयं को मन ही मन कोसती है कि उसकी अपनी है के कारण पति गायब हो गया और वो पति को खो बैठी। वो प्राण लेती है कि वो कुछ भी करके अपने पति को ढूंढ कर ही रहेगी और उसे घर वापस लेकर आएगी। एक दिन वो सुबह उठकर सास ससुर के महल में जाती है और उनसे कहती है कि मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। महाराजा महारानी को और क्या चाहिए था, उन्हें उनका बेटा वापस मिलना चाहिए था। वो बहू को जाने की अनुमति देकर कहने वालों की बेटी, तुम जो चाहे वह करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। रानी अब अपना शाही वेश बदलकर एक सेठानी बन जाती है। उसके बाद उसने अपने कुछ दास दशन को, कुछ नौकरों को अपने साथ में लिया, कुछ सामान साथ लिया और राज्य की सीमा पर जाकर वहाँ एक भोजनालय खोल दिया। वो वहाँ आने वाले सब यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगी। उसने एक शर्त रखी कि उसके भोजनालय में खाना खाने वाले को, उसकी मालकिन को यानी राजकन्या को, उसकी देखी हुई कोई अजीब चीज या घटना बतानी पड़ेगी। वहाँ आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने ये देखा, मैंने वो देखा कहकर वहाँ से मुफ्त में खाना खाकर जाता था, परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वो अब तक मिली नहीं थी। ऐसी ही कुछ दिन बीत गए। इसी दौरान एक और घटना घटती है। रानी के महल में फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया के एक बेटा और बहू थे। उनका एक छोटा बेटा था, यानी बुढ़िया का एक पोता था। बेटा और बहू सुबह काम के लिए निकलते थे तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया दिन भर पोते को संभालती थी। बुढ़िया को पान खाने की आदत थी। एक दिन क्या होता है कि उसे पान लगाने के लिए चूना चाहिए था। वो चुनाव तैयार करने के लिए लेकर आए। इनको भून के लिए गोबर के कांदे चाहिए थे। कांदे इकट्ठा करने के लिए वो बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गई। वहाँ मैदान में बहुत सारे गोबर के कांदे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। शाम होते ही बेटा और बहू कम से वापस घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वे दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। इतने में वह बुढ़िया घर आ पहुँची। बेटे ने पूछा, तुम पोते को घर पर अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? बुढ़िया बताने लगी कि बेटा मैं गोबर के कांदे इकट्ठे करने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर मत जाना। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया वह बात भूल गई और फिर चरवाहे के मैदान पर कांदे इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू कम से वापस लौटे तो देखते हैं कि फिर बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म होने लगी और उसने बुढ़िया के वापस आने पर उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंधे इकट्ठा करने के लिए निकल गई। उसे पर कांधे इकट्ठा करने का मानो पागलपन सवार हो गया था।
गंदे इकट्ठा करते करते कब अंधेरा छा गया उसे पता ही नहीं चला। उसे जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। वो अंधेरे में आंखें फाड़कर देखते देखते किसी तरह आगे निकल पड़ी। कभी एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते गले की घंटी बजाते धमक कर उसे मैदान पर आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि अगर मैं इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गव तक पहुंच जाऊंगी। ये सोचकर बुढ़िया उसे गाय के पीछे पीछे चल पड़ी। वो गए एक एक करके छह मैदान पर करती है। आखिर में वो सातवें मैदान पर पहुंचती है। वहां उसे मैदान में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। गए जाकर उसे पत्थर को अपना सिंग मारती है। सिंग करने पर वो पत्थर दूर है गया और नीचे पाताल में जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। वो गए उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। बुढ़िया ये सब देखती रही। उसने और झट से जाकर गाय की पूंछ को पकड़ लिया। गाय की पूंछ पकड़कर वो बुढ़िया गाय के साथ नीचे पाताल में पहुंच गई। पाताल में पहुंचते ही बुढ़िया गाय की पूंछ छोड़कर इधर उधर देखने लगी। बुढ़िया ने देखा कि पाताल में सब जगह जगमगाहट है। दिया दीप जल रहे हैं, तभी तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और वहां अद्भुत घटनाएं घटने लगती है। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप सकल पड़ गई। छम छम करके दुधनी में कोई गाय का दूध धोने लगा, लेकिन गाय का दूध निकालने वाला जो कोई भी होता है वो उसे दिखाई नहीं देता। ये सब देखकर बुढ़िया बहुत घबरा गई और यह सोचती है कि मैं आज ये कहां फंस गई। सोचते सोचते वो यहां वहां छिपाने के लिए जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। हर जगह उजाला ही उजाला था। वो चुपचाप इस एक कोने में छुपकर खड़ी रहकर वो सब कुछ देखने लगी जो वहां पर उसके सामने हो रहा था। कुछ पल के बाद वहां एक उम्दा सफेद घोड़ा आया। वहां दो कुंड थे। उनमें से एक कुंड में उसे घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब उसे राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। राजपुत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया। वहां रखे नए कपड़े पहने नजदीक ही एक सुंदर पलंग था। वो जाकर उसे पलंग पर बैठ गया। उसके सामने अपने आप पांच पकवानों की थाली आ गई। दूध की एक प्याली आ गई। पांच सुपारी आ गए। सामने एक दिया जल रहा था। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, पान सुपारी खाया और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्यदेव का स्मरण करके सामने जलते दिए से पूछा कि दिए दिए दीपांकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। दिया बताने लगा कि वो बेटे के शोक में डूबे हैं। फिर वो पूछता है कि राज्य कौन संभाल रहा है। देर से उत्तर मिला, राज्य प्रधान संभालता है। राजपुत्र ने पूछा कि मेरी पत्नी क्या करती है। देर से उत्तर मिला कि उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वो नई खबर के बारे में पूछता है। ये कहते ही राजपुत्र कहने लगा ठीक है। उसके बाद वो सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी रहकर ये सब देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगी। वो अपनी भूख प्यास सब भूल चुकी थी। वो उत्सुकता से देखने लगती है कि आगे क्या होता है, लेकिन उसके बाद कोई घटना नहीं घटती। रात गुजर गई और सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया हुआ राजपुत्र उठा और उसने फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगे तो अब वो फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। बाहर आते ही वो तेजी से उसे पाताल नगरी से बाहर निकल गया, लेकिन वो कहां गया इसका बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई छम छम करके उसे गाय का दूध डूबने लगा। जैसे ही दूध धोना खत्म हुआ, गाय के गले की शक्ल अपने आप खुल गई और वो गए तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ते देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत आकर मेरे ऊपर टपक जाएगी। उसने झट से गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। गए जब ऊपर मैदान में पहुंची तो उसे सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया
और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पूर्ववत खड़ा हो गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई तो इधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। फिर पाताल नगरी में जो कुछ देखा था वो जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए उतावली हो उठी। एकदम याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलती है और नई बात बताने वाले को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। वो सोचने लगी कि क्यों ना मैं ये बात उसे औरत को जाकर बताएं। यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। बुढ़िया ने मन में तय किया और तुरंत उसे भोजनालय के द्वार पर पहुंचकर वहां टांगे नगाड़े के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े का इस तरह शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी मन में प्रसन्न हो जाती है कि शायद कोई बड़ी बात लेकर यहाँ आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है, जाइए और जो कोई आया है उसकी अच्छी तरह खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही दौड़ के नगर के पास आए तो देखा कि एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही है। उन्होंने उससे पूछा, क्यों बुढ़िया, क्या हुआ, नगाड़ा क्यों बजा रही हो? वो बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मुफ्त में मिलता है इसलिए आई हूँ। सिपाही ने कहा, तुम्हें खाना चाहिए, जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। बुढ़िया बोली, हाँ मैं बताऊंगी, मुझे एक बात मालूम है। ये सुनकर सिपाही उसे अंदर लेकर आए। उनको मालकिन का आदेश था कि जो भी कोई बूढ़ा बुजुर्ग वहाँ आए उनके साथ अच्छी तरह पेश आना, उनका अच्छा आधार आते थे। करना सिपाही ने इस बुढ़िया का भरपूर आधार आते थे किया। बड़ी सी थाली भरकर व्यंजन परोसे बुढ़िया बहुत भूखी थी, वो खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद एक सिपाही ने उसे पहनने के लिए एक नई साड़ी दी। उसके बाद वो सिपाही उसे लेकर रानी के पास आए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया बोली, बेटी तुम यहाँ, और रानी भी हैरान होते हुए बोली, अम्मा तुम यहाँ बड़ी देर तक दोनों भांति भांति की बातें करती रही। आखिर कुंवरी बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा आप बताओ तुमने क्या नई बात अच्छी है। वो तो कहने लगी, नई बात मैंने तो कोई नई बात नहीं देखी है, वो तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे इसलिए मैं झूठ कहा और नगाड़ा बाजया। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। बुढ़िया ने कहा कि मैं क्या देखा कब देखा, इस तरह करके वो बुढ़िया आनाकानी करने लगी। इस पर कुंवरणी ने उसे कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वो नई बात बताई तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, तुम्हें रानी माता की तरह रखेगी। उसकी यह बात सुनकर बुढ़िया खुश हो गई और अब बुढ़िया सब कुछ बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ उसे चारागाह वाले मैदान पर देखा था वो सब कुछ उसने कुंवरणी को बता दिया। बुढ़िया की वे बातें सुनकर कुंवरणी को यकीन हो गया कि वो राजपुत्र उसी का पति है। वो तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे उसे जगह पर ले चलो। बुढ़िया बोली कि नहीं बेटी, वो पटल राज्य है, वहाँ पर सांप है, यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे जगह ले जाने के लिए है करने लगी। आखिर में बुढ़िया ने उसका कहना मान लिया और कहने लगी, ठीक है मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ, पर आज नहीं, चल वहाँ जाना है तो शाम को ही जाना होगा। अगले दिन दोपहर को छोटी रानी बुढ़िया के साथ उसे मैदान पर गई और एक जगह छुपाकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही चारों और अंधेरा गिरने लगा। कुछ देर बाद हमेशा की तरह गए वहाँ आ गई। मैदान के उसे कोने में जाकर उसने पत्थर पर सिंग मारा तो झट से पत्थर हटकर वहाँ सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। गए उसे रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहने लगी, जल्दी आगे बढ़ो बिटिया, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। बुढ़िया जी कोने में पिछली बार छपी थी, दोनों इस कोने में छप गई। अब नीचे सब कुछ पहले जैसा घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप सकल पड़ गई।
कोई अदृश्य रूप से उसका दूध धोने लगा। एक सफेद उम्दा घोड़े ने आकर एक कुंड में छलांग लगे तो राजपुत्र के रूप में ऊपर आया। वो राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। उसने वहाँ रखे नए कपड़े पहने नजदीक ही एक सुंदर पलंग था। वो जाकर उसे पलंग पर बैठ गया। बाद में उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की खाने की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान बीर आ गया। राजपुत्र सब ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले सूर्यदेव का स्मरण करके वो दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीपांकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? आज दिया कुछ जवाब नहीं देता बल्कि वो बुझने लगता है। तब राजपुत्र को इसका संदेह हो गया कि कुछ घटित हुआ है। वो उदास हो गया और ऐसा सोचकर कि जो कुछ हुआ है वो हो जाने दो, वो सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम छूट गया। वो दौड़कर पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र तुरंत ही अपनी पत्नी को पहचान गया। वो झट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा कि नहीं नहीं, मुझे मत छूना, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करके माफी मांगने लगी। रानी ने कहा कि स्वामी, मुझे भूल हो गई। मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है। अब आप घर चले, आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है। आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। उसे पर राजपुत्र कहने लगा कि एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा गलती मत करना, नहीं तो जो अब मैं तुम्हें दिख रहा हूँ वो भी नहीं दिखेगा। रानी अब विलाप करने लगी और जोर जोर से जमीन पर सर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। वो उसे कहने लगा कि यदि तुम मुझे वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम बहुत कठिन है लेकिन वो तुम्हें अकेले ही करना होगा। रानी कहने लगी, कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम हो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। इसके बाद राजपुत्र ने उसे बताया कि इस पटल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के पश्चात 7वां जंगल मिलेगा। वो जंगल सबसे घना है। उसे जंगल में बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह कांटे इत्यादि से ढक चुकी है। वहाँ बाघ से भालू सा सभी की धमा चौकड़ी बैठी है। तुम्हें उन सबको वहाँ से भागकर वो जगह साफ करनी है, कि गोबर से लिपाई करके उसे पवित्र बनाना है, रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहाँ धूप कपूर और अगरबत्ती जलानी है, फूल कुमकुम से पेड़ के तने की पूजा करनी है, दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ता है। ये सब तुम्हें दोपहर को 12 बजाने के पहले करना है। 12 बजाने के समय तुम्हें उसे जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहाँ उतरेगा। भगवान सूर्य देव वह सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे, जिस किसी ने ये सब किया है उसे मैं मनचाहा फल दूंगा, तो तुम भगवान सूर्यदेव के सामने जाकर उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना। सूर्यदेव के हाँ करने के बाद मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कहकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी घर होने की राह देखने लगी। भोर होते ही वो बुढ़िया के साथ गए कि पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वो बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब मैं अकेली ही आगे जाऊंगी, तो भोजनालय वापस जाओ। बुढ़िया को भोजनालय में जाने के लिए कहकर वो जंगल में जाकर राजपुत्र की बताई जगह ढूंढने लगी। कुछ देर बाद उसे वो जगह मिल गई और किसी तरह सभी को वहाँ से भागकर उसने वो जगह अच्छी तरह से साफ कर दी। ये सब करने के बाद जैसे राजपुत्र ने बताया था वैसी लिपाई पोटी करके वापस आ गई। दूसरे दिन रानी पी फटने से पहले उठी और जंगल में उसे जगह पहुंची। वहां जाकर उसने इत्र गुलाब का पानी छिड़कर वो जगह सुगंधित की, फिर धूप अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया और पूजा की सबसे सामग्री वहां तैयार रखकर सूर्य भगवान का ध्यान करने बैठ गई। जैसा कि
उसके पति ने बताया था। दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उसे पीपल के पेड़ पर आकर रुक। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो वहाँ का सुगंधित वातावरण देखकर वो बहुत प्रसन्न हो गए। फिर वे बोले, जिस किसी ने ये काम किया है वो यहाँ आकर आज मुझे कुछ भी मांगे, मैं उसे दे दूंगा। रानी ने जब ये शब्द सुने तो बिना समय गवाई दौड़कर उनके सामने आ गई। उनको साष्टांग नमस्कार करके बोली, भगवान वह मैं ही हूँ, मैं ही यह जगह साफ की है। सूर्य भगवान ने कहा, अच्छा तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। रानी बोली, भगवान मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन रथ का दाहिना घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन ये दाहिना घोड़ा नहीं, मैं तुम्हें वह नहीं दे सकता। छोटी रानी ने एक नहीं सुनी, वो सूर्यदेव से एक ही बात कह रही थी, वही दाहिना घोड़ा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए, उन्होंने वचन दे दिया था, अब वो अपने वचन से पलट भी तो नहीं सकते थे। सूर्यदेव ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें वो घोड़ा दिया, लेकिन वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे पाताल में जाकर लाना होगा। रानी बोली, भगवान पाताल में ही, क्या उन्हें पाने के लिए मैं कहीं भी जा सकती हूँ। रानी को वचन देकर सूर्यदेव अपने मार्ग चले गए और इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई। फिर वो बुढ़िया को लेकर उसे मैदान पर आ गई। जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते ही वहाँ वो गए आ गई और उसने सिंह मारकर सुरंग का पत्थर हटाया तथा नीचे उतरने लगी। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी उसकी पूंछ पकड़कर उसके साथ ही नीचे उतर गई। नीचे पाताल में सब घटनाएं पहले की तरह ही घटने लगी। घोड़े का एक कुंड में नहाकर राजपुत्र बन जाना, दूसरे कुंड में नहा धोकर नए कपड़े पहनकर पलंग पर जाकर बैठना, तो उसे खाने की थाली दूध की प्याली आना, पान बीड़ा आना। लेकिन आज एक नई घटना घटी, आज 2-2 थाली डोट दूध की प्याली 2 डी पान बीड़ी उसके सामने आए। वो कुछ नहीं बोला, अपने हिस्से की थाली खाकर दूध पीकर और पैन बेड़ा चबाकर वह सोने चला गया और हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा, दिए दीपांकर मेरे माता पिता क्या करते हैं? दिए ने बताया, वे दोनों तुम्हारा शौक में करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर वो पूछने लगा, दिए दीपांकर मेरा राज्य कौन चला रहा है? दिए ने बताया, तुम्हारा राज्य प्रधान चल रहा है और वो सब कुछ हड़क चुका है, वो प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। ये सुनकर राजपुत्र को बहुत गुस्सा आया, वो गुस्से से अपनी मुट्ठी भेजने लगा। अब वो पूछने लगा, दिए दीपांकर मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोला, चुप रहा। अब रानी का संयम जवाब दे गया, वो दौड़कर पति के सामने आ गई। राजपुत्र रानी से कहने लगा कि अब मैं तुम्हें मिल गया हूँ। रानी ने पूछा कि क्या तुम सच कह रहे हो, आप अब फिर से घोड़ा तो नहीं बनेंगे? राजपुत्र कहने लगा, नहीं, मैं अब दोबारा घोड़ा नहीं बनेगा। राजपुत्र ने रानी से कहा, तुमने मुझे अपने के लिए इतने सारे कष्ट उठाए हैं, इसलिए देव ने मुझे सांगा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले लगाया, उसके आंसू पोंछे। कुछ देर पश्चात भोर हो गई तो गाय की सकल टूटी और वो ऊपर भूलोक जाने लगी। रानी, राजपुत्र और बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आने पर वे सीधे भोजनालय में पहुंचे। उन्होंने वहां का सब सामान लोगों में बांट दिया और भोजनालय को ताला लगाकर अपने राज्य में लौट गए। राजपुत्र को वापस आता देखकर प्रधान घबरा गया। राजपुत्र ने उसे बंदी बनाकर क्या खाने में डाल दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसके बाद वो अपने माता पिता से मिलने उनके महल में गया। राजपुत्र देखा है कि उसके माता पिता उसके शोक में अस्थि पंज बने हुए हैं। पुत्र को वापस आया देखकर मरणासन राजा रानी की आंखों से टपटप आंसू बहने लगे।
उन दोनों ने पुत्र को गले लगाया, उसे प्यार से सहलाया। इतना होने के बाद उनके सेहत में एकदम सुधार आने लगा। कुछ दिनों में ही वे बिस्तर से उठकर बैठ गए, पुत्र को आशीष देने लगे। राजपुत्र के आने की खबर तुरंत राज्य भर में फैल गई। प्रजा खुशी से फूली नहीं समय प्रजनन राजमहल के सामने इकट्ठे हो गए। राजपुत्र ने भी उन्हें दर्शन दिए और वचन भी दिया कि आज से उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा। राजा ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बिठाया और बहू को महारानी का दर्जा दे दिया। इसके बाद वो स्वयं अपनी पत्नी के साथ ईश्वर स्मरण करते हुए खुशी से दिन बिताते हैं। महाराजा बना राजपुत्र अच्छी तरह से राज्य चलने लगा और अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। रानी ने उसे बुढ़िया को अपने ही पास रख लिया। वो उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगी बुढ़िया, और उसके बुढ़ापे के दिन खुशी से गुजरने लगे। आशा करते हैं आपको हमारी एक कहानी पसंद आई होगी। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।